गोवंडी की ऊंची इमारत पर दो दिनों से चल रहा है बीएमसी का हथौड़ा। गोवंडी शिवाजी नगर रोड नंबर 3 पर पोस्ट ऑफिस के पास एक 4 मंजिला इमारत के अचानक झुक जाने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। फायर ब्रिगेड में जब इसकी शिकायत की गई तो फायर ब्रिगेड और बीएमसी का तोड़क दस्ता सक्रिय हुआ। पिछले 2 दिनों से इसे धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसका मलबा आसपास के झोपड़ों पर गिरने से लोग परेशान हो गए हैं। इस इलाके में अचानक इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी होने के पीछे यहाँ के आम नागरिकों को इसमें बीएमसी का बड़ा करप्शन दिखाई दे रहा है। इस अवैध इमारत पर चल रहे हथौड़े का जायजा लिया प्रेस 9 रिपोर्टर अनवर रजा ने। आप देख सकते हैं रोड नंबर तीन पे एक कंस्ट्रक्शन मतलब 4 माले का कंस्ट्रक्शन रूम इधर बनाया गया है और वो एक मतलब बहुत बुरी तरीके से झुका हुआ है, वो धोखादायक है और ये ऑफिसर की लापरवाही से ये एक कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है और इसके ऊपर कुछ कार्रवाई मुंबई दमकल विभाग के लोग कर रहे हैं, उसको डेमोलिश कर रहे हैं और इसे गिराने की मतलब पूरी पूरी कोशिश की जा रही है और यहाँ पे कुछ ऑफिसर यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका के मौजूद हैं, एम वार्ड के एम। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से तोड़ा जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो ये कंस्ट्रक्शन जो 4 माले का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उस बारे में, जो अभी डेमोलिश चालू है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, फिलहाल ये डेंजरस है, उसको गिराने का काम चल रहा है। लेकिन ये डेंजरस जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है? कुछ नहीं बोल सकते, आपको मालूम होगा, आप ऑफिसर हैं, आपको मालूम होना चाहिए सर। बारिश के कारण वो झुक गया है, उसका बारिश के कारण अभी 6 महीना पहले ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। नो कमेंट, बोलने की अथॉरिटी नहीं है प्लीज। आप देख सकते हैं कि ऑफिसर बात करने को भी तैयार नहीं है और वो कुछ बताने को मना कर रहे हैं कि हमें कुछ अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये कितना डेंजरस है, वो एक तरफ से पूरा ऐसा झुक गया है, ये इतना धोखादायक है। अभी 6 महीने पहले ये 4 मंजिला इमारत खड़ी की गई थी और डेमोलिश हो रहा है और ये डेमोलिश के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो कंस्ट्रक्शन खड़ा किया गया है किस तरह से खड़ा किया गया है और इसको बनाने वाले कॉन्ट्रेक्टर का नाम क्या है? एक्चुअली क्या है, हमको सुबह में भाई का फोन आया और यहाँ के भाई ने बोला उधर पे जाओ, हम समाजवादी के कार्यकर्ता है, हमको अबू आशिम आजमी साहब ने बोला सुबह में वहाँ पे जाके पूरा वहाँ पे ख्याल रखो, किसी को चोट ना लगे या किसी को तकलीफ ना हो। हम लोग इसके लिए सुबह में आए यहाँ पे, वो घर झुक चुका है, भाई ने कई बार कंप्लेंट भी किया है आशिम भाई ने, और वो घर को अब कॉन्ट्रेक्टर का क्या है, आज परिवार बढ़ गए, लोग बढ़ गए, इसके वजह से कॉन्ट्रेक्टर ने, अब वो कॉन्ट्रेक्टर ने लिया काम, उसको अब फाउंडेशन मजबूत नहीं डाला होगा उसने, इसके लिए वो घर थोड़ा झुक गया है, इसके गिरने से पहले उसको डेमोलिशन करा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये 6 महीना हो गया कंस्ट्रक्शन को तैयार करके और ये 6 महीने में मतलब कितनी कंप्लेंट मतलब मुंबई महानगर पालिका में की गई है? देखो कंप्लेंट जाने से नहीं, आज यहाँ पे परिवार बढ़ रहा है, उस हिसाब से लोग अपना घर बना रहे और बारिश का टाइम है, बारिश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है, ये घर झुक गया है, गिरने से पहले उसको डेमोनेशन किया जा रहा है ताकि किसी की जान को माल को सेफ्टी के लिए वो घर तोड़ा जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट का नाम? मेरा नाम उमा शंकर वर्मा है और ये जो रूम का इश्यू आया है इसके बगल में ही मेरा रूम है और यहाँ पे तो सभी इतने बड़े रूम नहीं थे, लेकिन जब भी ये रूम बनाया था तब ऑलरेडी ये बेंड हो चुका है एक तरफ, जिसमें मेरे ही नहीं आजू बाजू के जितने भी रूम्स है ना उनको खतरा है, लोग यहाँ पे सो नहीं रहे हैं, रात में दूसरी जगह जाके सो रहे हैं, इवन हमारे घर में भी पूरा पता नहीं चलता है कि कब ये गिर जाएगा कब क्या हो जाएगा। हमने 2-3 दिन पहले भी कंप्लेन किया था, 2 महीने ना। मेरा नाम भालचंद्र है। भालचंद्र जी ये बताइए, आज ये आपके बाथरूम में एक रूम डेमोलिश हो रहा है और ये मुंबई महानगर पालिका के जो भ्रष्टाचार अधिकारी है उनके चलते ये मतलब और यानी कि रूम बनाया गया था और इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और वो उसका डिमोलिश हो रहा है? अभी इस बारे में मैं क्या बोलूं, यहाँ तो सभी लगभग 3 माला 4 माला 2 माला जिसको जैसा है सब अपना अपने हिसाब से बना रहे, सबके पास परिवार बढ़ रहा है तो अपने हिसाब से अपने सुविधा के हिसाब से लोग बना रहे और एक एक स्लम झोपड़पट्टी एरिया है और गरीब लोग रहते हैं यहाँ,
अपनी व्यवस्था नहीं होने से लोग हैवी डिपॉजिट लेके कैसे कर्जा वर्जा निकाल के लोग किसी तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार अपना बनाते हैं। उसमें मैं क्या नाम एकदम जस्ट बगल में ही है सर, और सुबह से बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, कोई है भी नहीं, ना सुबह से खाना ना नाना कुछ भी नहीं। अभी 2-3 घंटे चलेगा, अभी कहाँ रहूंगा, बरसात इतनी तगड़ी हो रही है, कोई हिसाब नहीं है, और जो नुकसान मेरा हो रहा है सर वो कौन भर के देगा। हाँ, मेरे बाल बच्चे नहीं है, मेरा हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं है, मैं अकेली औरत हूँ, तो मेरी भरपाई कौन करेगा? मेरी भरपाई जरूरी है, क्योंकि मेरा हर चीज है। आप मुंबई महानगर पालिका से आप क्या चाहते हो? मेरी वो जो जो मेरा गया भरपाई, तो वो तो करना ही है ना उन लोग को, नहीं तो मैं कहाँ से जाऊँ? मैं बूढ़ा इंसान, पैरों से मजबूर हूँ, चल नहीं सकती, मैं कहाँ जाके किससे नुकसान भरा हूँ? मेरे को तो वो नुकसान तो भर के देना ही है ना। 10:30 बजे से बारिश में बैठी हूँ मैं, थोड़ी कोई मेरे को चाय पानी दे रहे, सब कर रहे, भूखे पैसे बैठे थे सुबह से। आपका नाम? नूरजान जावेद खानगे। ये बताइए, जो अभी डेमोलिश हो रहा है, इसमें आपका क्या नुकसान हुआ है? हमारा नुकसान हुआ नहीं, अभी तोड़ेंगे तो हो जाएगा ना, अभी हो गया, अभी तोड़ेंगे तो हो रहा है ना, अभी सब पत्थर बितर उड़ रहे हैं, छपरा विपरा टूट रहा है अभी सब। और क्या क्या नुकसान हुआ है? अभी हम लोग उधर देखे ही नहीं, अंदर गए नहीं, हम लोग को बाहर निकाले ना, 4 घंटे से हम लोग बाहर बैठे, हमारे छोटे छोटे बच्चे 11 बजे से हम लोग बाहर बैठे, छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे उधर रोड पे बारिश में से भीगते रहते हैं। तो कुछ खाने पीने की सुविधा या कुछ भी नहीं? खाने का भी नहीं, पानी का भी नहीं, किसी चीज का नहीं, हम लोग ऐसे भीगते बैठे है। ये इतना धोखादायक है, अभी 6 महीने पहले ये 4 मंजिला इमारत खड़ी की गई थी, और आज ये इतनी ऐसी स्थिति है कि कभी भी नीचे गिर सकता है। अनवर रजा, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।